नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा भारत एकता अखंडता में विश्वास करने वाला, मेरा सुंदर भारत, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आइए हम सभी लोग जिस तरह से अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज और हर तरह के वचनबद्ध हैं और अपनी रीति रिवाज मनाने के लिए हम सभी सनातन धर्म का सबसे बड़ा परंपराओं के साथ साथ आज भारत मना रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सभी लोग एकता अखंडता का विश्वास और अपने रीति रिवाज सांस्कृतिक रीति रिवाज के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं पर आपको बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस था। जैसा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बड़े आदर और सम्मान के साथ हम सभी लोग भारत के कोने कोने में चारों दिशाओं में आज यह दिवस मनाया गया। जैसा कि यह जयंती भारत सरकार और हमेशा अनेक राज्यों की सरकार यह मनाती आई है। और आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस तो था ही, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उसी दिन जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार अमृत उत्सव मनाने का आगाज हमेशा चल रही है और हम सभी परंपराओं को याद करते हुए महत्वपूर्ण नीतियों का भी पालन करते हैं। 2 अक्टूबर हम सभी के लिए महत्वपूर्ण का दिन है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी और भी कई ऐसे जो है महत्वपूर्ण दिन हम मनाते हैं। उसी तरह से 2 अक्टूबर हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताते चलो कि जम्मू जिले के पास भारत पाकिस्तान सीमा के पास रिट्रीट सेरेमनी का भी BSF के द्वारा समारोह की शुरुआत हो चुकी है, जो कि पर्यटकों के लिए एक खूबसूरत मौका मिलेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज 2 अक्टूबर 2021 का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं उनको। वास्तव में देखा जाए तो आज के दिन ही हमारे जम्मू कश्मीर, जहां पर प्रकृति की छटा बिखरी हुई है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के पेड़ पौधे जहाँ लगे हुए हैं, उस जम्मू कश्मीर का अपना ही एक अलग नज़ारा होता है, एक अलग अंदाज होता है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन जो है 2 अक्टूबर 2021 में जम्मू ज़िले के तहसील आरएसपुरा के एक जगह है सुचेतगढ़। उस सुचेतगढ़ में भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और वहाँ पर जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट है, उस पर अटारी चौकी की तरह, अटारी बॉर्डर की तरह, जो हमारी BSF की रिट्रीट सेरेमनी होती है, वो अब आज से वहाँ भी शुरू हो गई है। और ये प्रत्येक शनिवार रविवार को सायंकाल 5:15 पर भारतवर्ष की इस धरती पर होगी। और इसमें हमारे भारतवर्ष के वीर जवान BSF के लोग जो है इसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से इस पोस्ट पर कोई भी सेरेमनी नहीं होगी, हमारे BSF के जवान जो है इस पर भारत की धरती पर ऑक्ट्राय पोस्ट पर जो है रिट्रीट सेरेमनी सुजेतगढ़ में आज से शुरू करेंगे। उसके लिए बधाई हो, सब लोगों को बधाई हो, देशवासियों को बधाई हो, BSF जवानों को बधाई हो, हमारी भारतीय सेना को बधाई हो, नागरिकों को बधाई हो, और जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं इसको देखना ना भूलें, उनको भी बहुत सारी बधाई। अभी तक तो लोग अमृतसर जाते थे और अटारी बॉर्डर पर ये प्रोग्राम जो है रिट्रीट सेरेमनी का देखते थे, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं, दोनों देशों की जो रक्षा के जो हमारे जवान हैं वो इसको करते थे। मगर हमारे जम्मू कश्मीर के जो जम्मू ज़िला है,
उसमें जो सुजेतगढ़ जगह है उसमें केवल हमारे बीएसएफ के जवान ही इस रिट्रीट सेरेमनी को करेंगे। और आज इसका भव्य उद्घाटन हमारे उपराज्यपाल जी ने और वहाँ पर उपस्थित हमारे बीएसएफ के उच्च अधिकारियों के माध्यम से ये संपन्न हुआ है। और इसमें हमारे देश के बहुत से नौजवानों को, बच्चों को इसको देखने से उनके शौर्य का, उनकी वीरता का, उनकी ताकत का जो जज्बा उनको देखने को मिलेगा, वास्तव में वो एक नई सोच होगी, एक नया कार्य होगा, एक नई पहल होगी, उनको इस देश की सेवा करने के प्रति उनको उत्प्रेरित करेगा, उत्साहित करेगा। आइए हम सब लोग अपील करते हैं अपने देश के नगरवासियों से, देशवासियों से, सब जगह जो भी हमारे इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कि जब भी आप जो है जम्मू ज़िला जाएं, तो ख़ास तौर से शनिवार और रविवार फ़िलहाल जो दिन रखे गए हैं उसमें इस रिट्रीट सेरेमनी का आप जो है भरपूर आनंद उठाएं, इसमें शामिल होकर हमारे वीर जवानों का उत्साहवर्धन करें, उनको खूब जो है तालियों के साथ उनका मोटिवेशन करें और उनको यही बोलें कि आप देश की सीमा में जो दिन रात लगे हुए हैं, हम आपके परिवार के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी सुविधा के लिए, हम सब नागरिक उनको देख रहे हैं, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये देश जो है हमारा, आपका, सबका एक है, इसमें कोई जो है ऐसा नहीं है जो इस देश से प्यार नहीं करता है। और देशवासी जो हमारे इस देश के हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ हर स्थिति में, हर परिस्थिति में साथ देने में लगे हुए हैं। और आप सब लोगों से यही एक प्रार्थना और विनती है कि आपका जो परिवार है वो स्वस्थ रहे, आप लोग स्वस्थ रहें और आप लोग जो है देश की सेवा में, सीमा में जो लगा हुआ कार्य कर रहे हैं उसमें दम खम के साथ, अपनी आन बान शान के साथ सेवा करते हुए इस देश की रक्षा में पीछे ना हटें। और वास्तव में ये हमारी देश की सेना की एक बहुत बड़ी उच्च श्रेणी की बात है कि वो अपनी देश की एक एक इंच ज़मीन के लिए भी वो पीछे नहीं हट सकते हैं। उनकी एक एक इंच जो है ज़मीन की रक्षा करना उनका परम धर्म, परम कर्तव्य है। और ये धरती माँ की रक्षा करना हम सब लोगों का एक परम पूर्ण कर्तव्य है। आइए हम सब लोग मिलकर ऐसी बात करें, ऐसी बात सोचें कि हर दम देश में शांति बनाए रखने के साथ साथ अपने वीर सैनिकों को, वीर जवानों को हरदम ऐसा उनको सोहित करें, उत्साहित करें कि वो आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करें, अपनी सेना का नाम रोशन करें और भारतीय सेना, आत्मनिर्भर सेना, स्वदेशी की सेना, मेक इन इंडिया की सेना बनकर विश्व में छा जाए। यही हमारी आज की सबसे बड़ी बधाई, आप सब लोगों के शुभकामनाएं कि आज का दिन बहुत शुभ है। आज 2 अक्टूबर 2021 को जो हमारी सेरेमनी शुरू हुई है ये हरदम ऐसे ही चलती रहे और इसके दिन और बढ़े, लोग जो है और इसमें जाके देखें और इसका लुत्फ़ उठाएं। आप सब लोगों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वीर जवानों, ऐसे ही आप अपने देश की रक्षा करिए। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।